तो गाइस मोटो H40 एक ऐसा फोन है जो आपको 30,000 रुपए में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस तो देता ही है, उससे भी ऊपर वो फ्लैगशिप जैसे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, वो भी 30,000 रुपए के अंदर। तो गाइस पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। ये एक 6.55 इंच का एक OLED 144Hz का डिस्प्ले है जो कि 1200 nits का पीक ब्राइटनेस देता है और ये HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। और गाइस ये दो वेरिएंट में आता है, एक है लेदर बैक और एक है प्लास्टिक बैक। इसमें लगा है मीडियाटेक का डायमेंसिटी का 8200 6nm का प्रोसेसर। इसमें प्रोसेसर लगा है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 जो कि 6nm आर्किटेक्चर पे बेस है। मतलब आप अगर स्नैपड्रैगन के साथ कंपैरिजन करोगे तो 870 के थोड़ा ऊपर और 8 प्लस जेन 1 के थोड़ा सा नीचे ये स्कोर करता है। और इसमें आपको डुअल सिम का स्लॉट दिखने को मिल जाता है, उसमें से एक ई सिम का स्लॉट है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है और लगभग ये सभी 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। तो भी गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में। तो आपको इसमें 4400mAh का एक बैटरी मिलता है और 68W का वायर चार्जर और 15W का आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। आप सोच के देखो गाइस, 30,000 रुपये में वायरलेस चार्जर, मतलब आपको 30,000 रुपये में एक फ्लैगशिप जैसा स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन मिलता है। और फाइनली गाइस इसका अंततः स्कोर आता है 7 लाख के करीब करीब, मतलब 6,88,000 कुछ है। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना।